हाय दी एक्चुअली समटाइम बैक यू टोल्ड मी दैट इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द लॉ एंड स्पेसिफिकली फॉर ड्यू एल एल बी बट आपने एक चीज तो बताई नहीं क्या अरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी rights कितने टाइप के होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है वैलिडिटी कितनी रहती है रजिस्ट्रेशन compulsory है क्या कौन सी लेजिस्लेश हैं? कौन सी इनैक्टमेंट हैं? जो इनको गाइड करती हैं, फॉर द इंटरनेशनल कन्वेंशन कौन सी हैं जो हमें पढ़नी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे कब आता है एंड एक चीज बताओ मैंने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया तो उसको मैं कॉपीराइट में रजिस्टर कराऊं पेटेंट में रजिस्टर कराऊं या ट्रेडमार्क में भी रजिस्टर हो सकता है शायद अरे 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 इतने सारे क्वेश्चन सो so, guys welcome back to my youtube channel my name is manika and today we will be busting all your doubts with respect to intellectual property rights and by the end of this video i'll make sure you would be answering each and every question with a greater accuracy further if you have not subscribed to my channel have not hit the bell icon so far then do the same like tap karna video samajai pasand useful lage to and without further ado let's get started intellectual property rights refers to creation that arises from human intellect इट्स अ टाइप ऑफ क्रिएशन जो ह्यूमन के इंटेलेक्ट से आते हैं ह्यूमन ब्रेन से आती है दीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंशन लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क सिम्बल्स नेम इमेज इन कॉमर्स जिसकी कोई कमर्शियल वैल्यू हो जिसकी कोई मॉनिटरी वैल्यू हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवाइडेड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है दीज आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज ठीक है these are industrial property and copyright look at this diagram intellectual property which is divided into industrial property and copyright industrial property is further divided into four subcategories which are inventions trademarks invention would be in the form of patents then for the industrial designs then trade secrets okay now वी वुड बी डिस्कसिंग नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई पी राइट्स अब आप लोग सोच रहे होंगे ये इतना जनरल जनरल बताने की क्या जरूरत है पता तो होना चाहिए ना एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं दो दिस इज काइंड ऑफ अ रिविजनल वीडियो बट स्टिल जो ये होते हैं ना जो इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं दी समहाउ कम इन योर एग्जाम आज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कररेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सो यू मस्ट नो दिस वर्ड्स स्पेसिफिकली दीज आर द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड दिस वी इनटैचल प्रॉपर्टी होती है विच कैन नॉट बी टच और फेल्ड बट दीज एग्जिस्ट इन टैंचबल प्रॉपर्टी का अदर नेम होता है इनकारपोरल प्रॉपर्टी ठीक है याद रखना यह वर्ड बहुत यूज होता है इन एग्जाम्पल नॉ थर्ड इज एक्सक्लूसिव राइट एक्सक्लूसिव राइट्स गिवन बाई स्टैचूस स्टैचूज क्या देते हैं एक्सक्लूसिव राइट मतलब ये खाली आपके राइट right हैं खाली आपकी ओनरशिप है ओवर दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपकी क्रिएशन है अगर आपने कोई इन्वेंशन की है तो दैट्स योर सोल ओनरशिप अगेंस्ट द होल वर्ल्ड ठीक है आपके मोनोपोली राइट्स होंगे उसके ऊपर लेट से कोई पेटेंट करवाता है देन लेट्स से मैंने कोई मेडिसिन डेवलप की आउट ऑफ सम एक्सपेरिमेंटेशन तो उस पर मेरी मोनोपोली रहेगी ठीक है सो आउट ऑफ दोज मेडिसन जो भी गेंस आएंगे कमर्शली दैट वुल बी माई सोल ओनरशिप ओके दैन टाइम बाउंड डीज आर टाइम बाउंड इनकी रजिस्ट्रेशन क्या होती है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जैसे टेन ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स उसके बाद दिस एक्सपायर या तो आप रिन्यू करवा लो कहीं कहीं में रिन्यू करवा सकते हैं कहीं कहीं में नहीं करवा सकते हैं फॉर द फिफ्थ इज टेरिटोरियल इन एन्फोर्समेंट दिस इज़ फॉर अ लिमिटेड रीजन हर एरिया के जो आई राइट्स होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट अलग होता है बाइंडेड बाय डिफरेंट स्टैट्यूट्स अगर आप इंडिया में कोई पेटेंट करवाते हो लेट्स से इंडिया में कोई ट्रेडमार्क लेते हो तो दैट वुड नॉट बी बाइंडिंग इन यूएसए वहाँ के लिए यू नीड टू टेक अ डिफरेंट ट्रेडमार्क तो ये चीज़ डू रिमेंबर ओके देन सिक्स पॉइंट दीज आर असाइनेबल एंड लाइसेंसेबल बॉट सोल और लाइसेंस बेसिकली असाइनेबल का मतलब क्या है आप इनको एक्सक्लूसिवली सेल कर सकते हो लाइसेंसेबल का मतलब क्या होता है दैट आप इनको यूज करने की परमिशन प्रोवाइड कर सकते हो टू अनदर पर्सन ठीक है जी तो असाइनेबल होते हैं लाइसेंसेबल होते हैं इसके एक्सेप्शन है बट यूजली ये असाइनेबल होते हैं फॉर द सेवेंथ पॉइंट इज डीज आर डायनमिक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग क्योंकि इनके स्टैच्यूज जो हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो उसके साथ साथ ये भी चेंज होते रहते हैं तो इनका जो नेचर है वो बहुत डायनमिक है बहुत कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है एट पॉइंट इज रजिस्टर्ड लीगल राइट डीज आर रजिस्टर्ड आपको इनको रजिस्टर कराना पड़ता है

Now further, as we discussed earlier, intellectual property rights could be of six types. Basically, which are those types? Trademark, copyright, industrial design, patents, trade secret या फिर geographical indications. अब ये तो हमने डिस्कस किया पर ये चीज़ बताओ इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? क्यों होते हैं ये? ये नहीं होंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा? Basically, these are to stimulate या फिर promote. मोर इन्वेंशन्स एंड क्रिएशंस अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो या इन्वेंट कर रहे हो और उसका आपको कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा ओवर द होल वर्ल्ड तो आप क्यों ही ट्राई करोगे कुछ इन्वेंट करने का इज इंट इट तो दीज आर वेल रिकोगनाइज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट जिससे आप पैसा जनरेट कर सकते हो ऑफ क्रिएट टू स्टिमुलेट फॉर द इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी जिससे कि हम आगे प्रमोट कर सके सच सॉर्ट ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इन डिफरेंट फील्ड्स अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ये आ जाता है क्विट प्रो जिसको मोनोपोली प्रिंसिपल भी बोलते हैं दिस इज हम इसमें क्या इस प्रिंसिपल में क्या मानते हैं समथिंग फॉर समथिंग या फिर दिस फॉर दैट मैंने आपको कुछ दिया मैंने आपको नई इन्वेंशन करके दी तो आप रिटर्न में मुझे क्या देंगे माई मोनोपोली राइट ओवर दैट प्रॉपर्टी ट सो फॉर द होल्डर ऑफ आई पी आर हैज मोनोपोली ऑन इट्स यूजेज फॉर स्पेसिफिक टाइम ठीक हैव द मोनोपोली एग्जाम्पल पेटे मोनोपोली राइट होते हैं पेटेंट होल्डर के ओवर दैट लेट्स ए मेडिसन या फिर ओवर दैट इन्वेंशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ओके सो नाउ लेट्स मूव अट सो हेर यू गो

क्योंकि कॉपीराइट पेटेंट यार ये भी पेटेंट भी हो सकता है शायद ट्रेडमार्क भी लग सकता है अरे यार ट्रेड सीक्रेट भी तो हो सकता है या फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन भी तो हो सकता है सो ऑल दैट कन्फ्यूज अस इज इंट इट तो उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आई है प्रोवाइडेड दिस इन अ डिफरेंस काइंड ऑफ फॉर्म सो लेट्स डिस्कस दिज फाइव फर्स्ट देन वी वुड भी डिस्कसिंग द दिक्कथ वन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मीनिंग फर्स्ट ठीक है कॉपी राइट्स ऑफ अ क्रिएटर ठीक है राइट किसके है इसके क्रिएटर के ओवर देयर लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क लिटरेरी वर्क होगा या आर्टिस्टिक वर्क होगा विच प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल एक्सप्रेशन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ओरिजिनल एक्सप्रेशन बिकॉज क्वेश्चन में डायरेक्टली आ जाएगा विच आई पी आर राइट प्रोटेक्ट

जो हमें प्रोवाइड करे अ न्यू वे ऑफ डूइंग अ थिंग अब इनके जो मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होनी चाहिए इट शुड बी नॉवल मतलब न्यू होना चाहिए इन्वेंटिव होना चाहिए सम सॉर्ट ऑफ इनोवेशन शुड बी देयर और इंडस्ट्रियल यूटिलिटी होनी चाहिए सम सॉर्ट ऑफ यूटिलिटी होनी चाहिए उसकी ठीक है जैसे कोई मिक्सचर अगर आपने जनरेट कर दिया तो वो मिक्सचर कभी भी पेटेंट नहीं हो सकता ठीक है इट शुड बी समथिंग इनोवेटिव कॉपीराइट में आपको ओरिजिनल वर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना है एंड पेटेंट्स में आपको नॉवल वर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना है ठीक है जी क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना फॉर द पेटेंट्स आर एक्सक्लूसिव टेरिटोरियल राइट्स नॉट फॉर द डिस्कवरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेटेंट्स कभी भी डिस्कवरीज पे या कंप्यूटर प्रोग्राम्स पे नहीं होते ठीक है ठीके? कोई भी डिस्कवरी अगर है लेट्स से आपने कोई स्पीशीज डिस्कवर की एनिमल्स की या प्लांट्स की उनके पेटेंट्स नहीं होते पेटेंट्स खाली इन्वेंशनस के होते हैं एंड देयर इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशनस एंड डिस्कवरी डिस्कवरी इज समथिंग विच ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड यू जस्ट फाउंड दैट आउट फ्रॉम द नेचर और समवेयर बट जो इन्वेंशन होती है यू क्रिएटेड दैट ठीक है आउट ऑफ इनोवेटिव मीन्स तो ये चीज़ प्लीज याद रखना ओके ट्रेडमार्क लेट्स मूव टू ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट्स सिंबल्स, वर्ड्स, नेम कॉम्बिनेशन ऑफ़ कलर्स विच डिफरेंशिएट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन अनदर गुड्स एंड सर्विसेज एक प्रोड्यूसर की जब हम दूसरे प्रोड्यूसर से डिफरेंशिएट कर पाते हैं ड्यू टू सच ट्रेड मार्क्स वो होते हैं ट्रेडमार्क्स या तो उनके लोगो हो सकते हैं सिंबल्स हो सकते हैं वर्ड्स नेम्स कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स कुछ भी हो ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिफरेंशिएट वन गुड फ्रॉम द अनदर ठीक है एक प्रोड्यूसर को दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं तो दोज आर ट्रेडमार्क दीज मस्ट बी डिस्टिंक्ट एंड यूनिक ये यूनिक होने चाहिए एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होने चाहिए ठीक है ये नहीं है अगर किसी को एक कंपनी है स्काई बैग तो आपने शुरू कर दिया शाए बैग यू मस्ट हैव सीन सच बैग्स शाए बैग्स तो आप शाए बैग का सर ट्रेडमार्क नहीं ले सकते क्योंकि वो सिमिलर है डिस्टिंक्ट नहीं है टू सम अदर ब्रांड मूविंग अहेड टू जोग्राफिकल इंडिकेशन दीज आर इन द फॉर्म ऑफ नेम या फिर साइन ऑफ अ प्रोडक्ट जो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन को ठीक है एक स्पेसिफिक लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा या फिर अपनी ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा मतलब वो कश्मीर से बिलोंग करता है या तमिलनाडु से बिलोंग करता है वहीं पे स्पेसिफिकली पाया जाता है ठीक है जी उसके बाद दीज आर कम्युनिटी कलेक्टिव राइट्स कॉम एक कम्युनिटी की राइट्स होते हैं कलेक्टिवली लिए जाते हैं एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर्सन जोग्राफिकल इंडिकेशन नहीं ले सकता अपने प्रोडक्ट के लिए दीज आर कलेक्टिव राइट जैसे कि लेट्स से पश्मीना शॉल है पश्मीना शॉल अब गली गली में लोग बेचने लग गए हैं बट एक्चुअली उसका ओरिजिन कहाँ का है कश्मीर का तो कश्मीर के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने जोग्राफिकल इंडिकेशन ले रखा है ओवर दैट पश्मीना। आप उसके ऊपर उस शॉल के ऊपर आपको वो लोगो लगा के देंगे जो ओरिजिनल पश्मीना का होता है तो यू वुड बी एबल टू रिकोगनाइज़ उसका स्टैंडर्ड उसकी क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ दैट ठीक है जैसे स्टैंडर्डाइजेशन मार्क नहीं होता है जैसे होल मार्क होता है वैसे ही एक स्टैंडर्ड मार्क बना दिया है ज्योग्रफिकल इंडिकेशन्स की फॉर्म में जो एक स्पेसिफिक ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है आर यू गेटिंग मी सो फॉर दर दीज इन्श्योर्स गुड क्वालिटी एज आई टोल्ड यू मूविंग अहेड टू ट्रेड सीक्रेट एनी वैल्यूएबल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल होनी चाहिए उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू होनी चाहिए ठीक है कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेटिव कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अगर वो आपके कॉम्पिटिटर्स को पता लग जाए इफ नोन टू कॉम्पिटिटर कुड कॉज कमर्शियल लॉस टू योर बिजनेस क्योंकि वो भी क्रिएट करने लग जाएगा फिर वो राइट right? तो आपका एक डिफरेंट लाइक यूएसपी क्या रहा यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन क्या रहा आपका कुछ भी नहीं रहा ना तो इसलिए आपको कमर्शियल लॉस हो जाएगा और उसको बेनिफिट हो जाएगा आउट ऑफ योर प्रॉपर्टी ठीक है तो ये होते हैं ट्रेड सीक्रेट इसमें जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी कोई कमर्शियल वैल्यू होनी चाहिए ठीक है अगर उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है तो उसका कोई ट्रेड सीक्रेट नहीं माना जाएगा फॉर्दर ये मैंने ये बोला कमर्शियल वैल्यू होनी चाहिए अब जैसे अभी इसके एग्जाम्पल्स वी वुड बी डिस्कसिंग फर्दर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल इज लेट्स से कोका कोला ठीक है कोका कोला की जो हमारी रेसिपी है दिस इज दैट्स अन या फिर ओरियो कुकीज की जो रेसिपी है इट्स स्टिल अननोन दैट्स अ ट्रेड सीक्रेट सो दैट अदर्स कैन नॉट मैन्युफैक्चर द सेम प्रोडक्ट इन द मार्केट फॉर्दर मूविंग अहेड टू इनैक्टमेंट्स ऑन बेसिस ऑफ़ विच दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड कॉपी राइट एक्ट से प्रोटेक्ट होता है कॉपी राइट कॉपी राइट एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी सेवन ओके पेटेंट्स आर प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी दीज वर अमेंडेड इन 2005. एक बहुत मेजर अमेंडमेंट आई थी इन प्रोडक्ट पेटेंट्स इन 2005 जिसमें इंक्लूड किया था ड्रग्स को फूड्स को और केमिकल्स को ठीक है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी कोविड के टाइम पे ड्रग्स की बहुत बात हुई विद रिस्पेक्ट टू पेटेंट्स। तो इसलिए 2005 की अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट बन जाती है और पेटेंट एक्ट नाइनटीन में आया था ये याद रखना ट्रेडमार्क एक्ट नाइनटीन नाइनटी इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन सेम ईयर में है तो याद रहेंगे फॉर द नो स्पेसिफिक लॉ बट अदर लॉ सच एस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉपी राइट लॉ आई टी एक्ट टू थाउजेंड ये सब इनको बाइंड करते हैं ट्रेड सीक्रेट्स को ठीक है इसके लिए कोई स्पेसिफिक अलग से हमने स्टैचू नहीं बना रखा है इन इंडिया ठीक है तो ये याद रखना मूविंग अहेड सो वैलिडिटी वैलिडिटी ऑफ कॉपी राइट इज लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस सिक्सटी ईयर्स वैलिडिटी ऑफ पेटेंट इज ट्वेंटी ईयर्स देन इट गोज टू पब्लिक डोमेन अनलेस एवोग्रीन evergreen. ये एवोग्रीनिंग क्या है एक एक्सेप्शन है ये यूजली कौन यूज़ करता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज किस लिए टू एक्सटेंड दियर पेटेंट राइट कैसे बेसिकली क्या होता है इफ़ अ मेडिसिन इज मेड बाय सम कंपनी ठीक है उन्होंने 20 इयर्स तक तो पेटेंट राइट इंजॉय किया देन आफ्टर दो 20 इयर्स जब वो एक्सपायर होने वाला होता है देन दे कम अप विद अ न्यू ओरिएंटेशन क्या करते हैं उस मेडिसिन के ही अंदर कुछ केमिकल्स को चेंज करके उसको रीडिफाइन कर देते हैं री ओरिजिनेट कर देते हैं एंड उसको नया पेटेंट की तरह मार्केट में लॉन्च कर देते हैं उससे क्या हो जाता है एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट हो जाता है एंड वो पीरियड दोबारा से ट्वेंटी ईयर्स के लिए एक्सटेंड हो जाता है ठीक है सो दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस नॉट अ लॉ बट कंपनी इज यूजली यूज इट मूविंग अ हेड टू ट्रेड मार्क्स ट्रेड मार्क्स इज फॉर टेन ईयर्स ठीक है और रिन्यू कितनी बार हो सकता है अनलिमिटेड टाइम आफ्टर एवरी टेन ईयर्स ठीक है कॉज देने के बाद ना मूविंग टू जोग्राफिकल इंडिकेशन दिस इज फॉर टेन ईयर्स एंड कैन बी रिन्यूड फॉर द ट्रेड सीक्रेट इन डिफाइन पीरियड ऑफ टाइम एंड आर वेरी एक्सपेंसिव ट्रेड सीक्रेट्स में बेसिकली है ही क्या हमें वैसे रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं ट्रेड सीक्रेट्स क्या है हमारी कोई रेसिपी है हम किसी को नहीं बता रहे पर उसको हमें मेंटेन तो करना पड़ेगा ना इफ देर सम समेसिपी इन माई कंपनी एंड आई हैव सर्टन एम्प्लॉयज जिनको वो रेसिपी पता है एंड वेन सो एवर दोज एम्प्लॉयज लीव माई कंपनी इजेंट माई रेसिपी अंडर थ्रेड कि वो लीक हो जाएगी सो टू रिस्ट्रेन दैट आई नीड टू मेनटेन सम लेवल ऑफ लॉयल्टी तो उसके लिए सर्टन एक्सपेंसिस जाते हैं टूवर्ड्स एम्प्लॉयज या फिर जिन लोगों को भी मैनेजमेंट में उस रेसिपी के बारे में पता है सो दैट्स सम हाउ एंड एक्सपेंसिव प्रोसीजर मूविंग अ हेड टू रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कॉपी राइट के कॉन्टेक्स में कैन बी रजिस्टर्ड बट नॉट नीडेड रजिस्ट्रेशन फॉर एन्फोर्समेंट रजिस्ट्रेशन हो सकती है पर इन्फोर्समेंट के लिए रजिस्ट्रेशन का नीड नहीं है अगर आपने कोई कंपोजिशन बनाया है लेट से आप कोई सॉन्ग कंपोज करते हो देन ऑटोमेटिकली आपका उसके ऊपर कॉपीराइट आ जाता है विद दैट क्रिएशन क्योंकि वो आपकी ओरिजिनल क्रिएशन है तो उसके लिए कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है बट पीपल यूजली गेट देयर रजिस्ट्रेशन डन इट इज गुड फॉर द इन्फोर्समेंट ठीक है तो एडिशनल एडवांटेज हो जाता है वेन इट कम्स टू पेटेंट रजिस्ट्रेशन इज अ मस्ट

if i started using it before anyone else and i kept using it continuously and over a long period of time then after me let's say after two three years someone else come up with the same name same name and that person claims a right over it can that person claim so the answer is no because i was using it बिफोर दैट पर्सन इवन न्यू अबाउट इट और बिफोर दैट पर्सन स्टार्टिट यूजिंग इट तो जो पहले यूज करना स्टार्ट करता है उसके नाम पर ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर हो जाता है इफ सो एवर लाइक सम डे अट इज फाइल्ड इन द कोर्ट तो दैट पर्सन हु यूज इट बिफोर द अनदर वुड विन नाउ टॉकिंग अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन इट कॉड बी रजिस्टर्ड बाई ग्रुप ऑफ मैन्यूफैक्चरर्स और फार्मर्स हु ग्र्यू दैट एंड इट इज अ मस्ट आपको जोग्राफिकल इंडिकेशन का रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है फर्दर मूविंग टू ट्रेड सीक्रेट विच इज प्रोटेक्टेड इवन विदाउट रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन का कोई नीड नहीं है ना नेक्स्ट हेड इज लाइसेंसिंग अब नाउ लाइसेंसिंग इन कॉपी राइट कॉपी राइट कुड बी सी कॉपी राइट कुड बी लाइसेंस एंड असाइंड अब मैं लाइसेंस और असाइन में आपको ऑलरेडी वैसे मीनिंग बता चुकी हूँ बट लाइसेंस इज ग्रांटिंग ऑफ परमिशन एंड असाइनिंग इज सेलिंग द एक्सक्लूसिव राइट ओवर दैट प्रॉपर्टी मतलब मैंने किसी को अपनी पूरी ओनरशिप दे दी तो दैट वुड बी असाइनिंग एंड लाइसेंसिंग क्या होगा फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मैंने उसको परमिशन दे दी टू यूज इट ठीक है पेटेंट्स में भी लाइसेंसिंग और असाइनिंग अलाउड है ट्रेडमार्क में भी लाइसेंसिंग असाइनिंग अलाउड है ट्रांसफर कर सकते हैं फर्दर हम बात करते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन जो इसका एक एक्सेप्शन है जिसकी वजह से आई एडेड दिस हेड इन दिस नाइदर लाइसेंसिंग नॉर असाइनिंग इज अलाउड ओनली ट्रांसफर कैन टेक प्लेस बाय सक्सेशन सक्सेशन मतलब नाउ लेट्स से फादर ऑफ एक्स हैज अ जोग्राफिकल इंडिकेशन विद रिस्पेक्ट टू पश्मीना शॉल इन कश्मीर ठीक है जी इसके फादर के पास था तो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ये पास ओवर हो जाएगा एक्स को ठीक है तो दिस कैन बी ट्रांसफर्ड बट इसको लाइसेंसिंग या असाइनिंग नहीं हो सकता है ठीक है जी तो so एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जस्ट इट कैन पास ओवर मूविंग अहेड टू ट्रेड सीक्रेट ट्रेड सीक्रेट का लाइसेंसिंग भी हो सकता है एंड असाइनिंग भी हो सकता है now let's move ahead now let's talk about certain important example of each of the following property rights first we would be talking about copyrights in copyrights is the literary work which includes music computer programs database films advertisements websites पेंटिंग सॉफ्टवेयर तो ये याद रखना सॉफ्टवेयर कॉपी राइट में आता है पेटेंट में नहीं फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम पेटेंट्स में नहीं आता है किस में आता है कॉपी राइट में डेटा बेस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉपी राइट सो डू रिमेंबर दिस बिकॉज इन एग्जाम वट दे प्रोवाइडर्स दे वुड प्रोवाइड यू विद सर्टन एग्जाम्पल्स एंड वुड आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर कॉपी राइट तो यू नीड टू नो द एक्सेप्शन टू द सेम एंड फॉर द नो कॉपीराइट किसके लिए हम कॉपीराइट नहीं ले सकते आइडियाज़ के लिए कॉपीराइट नहीं ले सकते मेथड्स के लिए देर इज नो कॉपीराइट सिस्टम है किसी चीज़ का उसके लिए देर इज नो कॉपीराइट प्रोसीजर कॉन्सेप्ट डिस्कवरीज के लिए देर इज़ नो कॉपीराइट ठीक है तो ये याद रखना कि किन किन चीज़ों के लिए कॉपीराइट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी मूविंग अहेड टू पेटेंट्स अब पेटेंट्स किसके लिए होते हैं न्यू यूजफुल प्रोसेस हो कोई मशीन हो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो यूजफुल इम्प्रूवमेंट हो ठीक है जैसे कि अमेजॉन का जो ड्रोन है इफ़ यू हैव सीन दैट देन दैट्स अंडर पेटेंट नासा का वेदर प्रोडिक्ट इज अंडर पेटेंट अब व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड एल्गोरिथम्स जो हैं वो पेटेंट नहीं हो सकती कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं कॉपीराइट होते हैं पेटेंट नहीं होते हैं एंड फर्दर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कम्स इन लॉट मेनी एग्जाम एटॉमिक इन्वेंशन एटॉमिक इन्वेंशन का पेटेंट इंडिया में नहीं होगा इंडिया में एटॉमिक इन्वेंशन का पेटेंट नहीं होता है मूविंग अहेड हेड टू ट्रेडमार्क वर्ड्स लोगो मार्क्स स्लोगन शेप कलर कॉम्बिनेशन एनिमेशन साउंड विच आर डिस्टिंक्ट क्या होनी चाहिए यूनिक होनी चाहिए डिस्टिंक्ट होनी चाहिए फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स या फिर फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स ठीक है तो आप उनसे डिफरेंट लाओगे अपना जो भी ट्रेडमार्क लाओगे शुड नॉट बी ऑप्सीन नहीं होना चाहिए स्कैंडलस नहीं होना चाहिए प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए फॉर द डिसेप्टिव नहीं होना चाहिए लेट्स कैफे कॉफी डे है उसकी जगह मैंने कैफे टी डे बना दिया तो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल अब ऑल्सो ये चीज़ याद रखना ऑप्सन के रिस्पेक्ट में जैसे हम लोगों ने देखा रिसेंटली जो मिंट्रा का लोगों का चेंज हुआ दैट वॉज विद रिस्पेक्ट टू ऑपसिन क्योंकि उसके लोगों को ऑप्सन बोल रहे थे सब ठीक है तो जो मिंट्रा का लोगो चेंज हुआ वो इस रिस्पेक्ट में चेंज हुआ तो डू रिमेंबर दिस नाउ फॉर द मूविंग टू जोग्राफिकल इंडिकेशन ठीक है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किन किन प्रोडक्ट्स का होता है या तो मैन्यूफैक्चर हो या एग्रीकल्चरल हो या हैंडीक्राफ्ट हो ठीक है इन्हीं तीन कैटेगरीज का होता है कोई हैंडीक्राफ्ट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं या फिर मैन्युफैक्चर्ड है जैसे दार्जिलिंग टी किसके अंदर आ जाएगी दैट वुड कम अंदर एग्रीकल्चरल ठीक है सो ये भी याद करने वाली चीज़ है दैट फर्स्ट जी आई टैग प्रोडक्ट इन इंडिया इन टू थाउजेंड फोर किसको मिला था दार्जिलिंग टी को ठीक है फॉर द पश्मीना शॉल कश्मीर थंजवर डॉल तमिलनाडु एंड जोग्राफिकल इंडिकेशन इन इंडिया मूविंग अहेड टू ट्रेड सीक्रेट ट्रेड सीक्रेट्स किस रिस्पेक्ट में होते हैं या तो बिजनेस स्ट्रेटेजी होगी या फॉर्मुलेज या रेसिपीज या क्लाइंट डेटाबेस देखो डेटाबेस यहाँ आ गया पर क्लाइंट डेटाबेस जिसको हम ट्रेड सीक्रेट में रखना चाहते हैं उसको हम ट्रेड सीक्रेट में भी रख सकते हैं वी डोंट वॉन्ट टू शेयर आर क्लाइंट टू यू राइट तो दैट वुड बी अंडर ट्रेड सीक्रेट अब फॉर द एग्जाम्पल क्या है मैकडोनल्ड की सॉस वो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है बिकॉज इन अंडर ट्रेड सीक्रेट कोका कोला की रेसिपी एंड फॉर द ओरियो कुकीज़ की रेसिपी ऑल दैट इज अंडर ट्रेड सीक्रेट नाउ वॉट वी मिस डाउट इज इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं दी शुड बी ओरिजिनल ओरिजिनल होने चाहिए नॉवल होने चाहिए ऑर्नामेंटल ऑर्नामेंटल बेसिकली किस सेंस में आ जाएगा जिसकी एस्थेटिक वैल्यू हो अपियरेंस में वो कुछ अलग से लगे राइट right? जैसे ज्वेलरी होती है तो उसकी एस्थेटिक वैल्यू होती है ड्यू टू इट्स डिजाइनिंग तो दैट वुड कम अंडर इंडस्ट्रियल डिजाइन नाउ टेन ईयर्स का प्रोटेक्शन होता है इनका और टेन ईयर्स का प्रोटेक्शन किस में होता है ट्रेड मार्क्स में ट्रेड मार्क्स में टेन ईयर्स होता है एंड फर्दर कैन बी एक्सटेंडेड तो सेम कैन बी रिन्यूड इन इंडस्ट्रियल डिजाइन बट ओनली फॉर फाइव ईयर्स मतलब टेन प्लस फाइव का कॉम्बिनेशन बनेगा बस एंड आफ्टर दैट देर इज नो रिन्यूअल विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल डिजाइन डिजाइन नाउ इट इज गाइडेड बाय एक्ट ठीक है याद रखना कि कौन सी लेजिस्लेशन या फिर कौन सी इनैक्टमेंट इसको गाइड करती है डिजाइन एक्ट टू थाउजेंड जो कि है एक साल बाद आफ्टर ट्रेड मार्क्स एंड जोग्राफिकल इंडिकेशन जो नाइनटीन नाइनटी नाइन में आए थे ओके मूविंग अहेड टू अब इसी में हम कंटिन्यू करते हैं दीज आर टेरिटोरियल ये जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है ये भी टेरिटोरियल होते हैं हर रीजन के अलग होते हैं डिजाइनिंग राइट्स कैन बी असाइंड एंड लाइसेंस इनको भी हम असाइन भी कर सकते हैं और लाइसेंस भी कर सकते हैं अब एग्जाम्पल क्या है मिनी कूपर का जो डिज़ाइन है कोका कोला की जो बॉटल है या फिर वेस्पा स्कूटर जो है उसका जो डिज़ाइन है और ऑल्सो आईफोन का जो डिज़ाइन है वो सब किस में आएगा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में जिनको कोई कॉपी नहीं कर सकता ठीक है ऑफन कोका कोला की बॉटल को किस में डाल देते हैं ट्रेडमार्क में ठीक है तो यू नीड टू सी लुक इन टू द क्वेश्चन कि किस हिसाब से द क्वेश्चन हैव बीन आस्ड ठीक है दैट कैन कम अंडर इंडस्ट्रियल डिजाइन एज वेल एज ट्रेड मार्क ठीक है तो डू लुक इन टू द क्वेश्चन द वे इट इज आज यू नीड टू आंसर इन दैट वे ओनली मूविंग अ हेड सो गाइज येयर वी आर ऑन डू यू नो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन परसपेक्टिव सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी अप्रैल ट्वेंटी सिक्स को और क्या आता है आर रिपब्लिक डे राइट एंड अप्रैल को अप्रैल फूल से याद रख लो क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमें दिखते थोड़ी हैं क्योंकि ये क्या होते हैं इंटैंजिबल राइट तो ट्वेंटी सिक्स अप्रैल अप्रैल फूल और ट्वेंटी सिक्स को हमारा रिपब्लिक डे ओके मूविंग अहेड वेट लेट मी रेज दीज नहीं तो नीचे वाला विजिबल नहीं होने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ आई पी आर वॉज फर्स्ट रिकोगनाइज इन पेरिस कन्वेंशन पैरिस कन्वेंशन में फर्स्ट इट वॉज रिकोगनाइज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ये चीज याद रखना मैंने आपको बताया था कि दो में डिवाइड होते हैं आई पी आर राइट किसमें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में और कॉपी राइट्स में सो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को कौन गाइड गाइड करता है पैरिस कन्वेंशन पी सी ओके एंड कॉपी राइट को कौन गाइड करता है बर्न कन्वेंशन ठीक है तो बर्न कन्वेंशन इज फॉर कॉपी राइट वेयर एज पैरिस कन्वेंशन इज फॉर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए पैरिस कन्वेंशन इट केम इंटू एटीन एटी थ्री वेर एज बर्न कन्वेंशन केम इन टू बींग इन एटीन एटी सिक्स थ्री ईयर्स का गैप है दोनों में ओके बोध द ट्रीटीज आर अंडर वीपो वीपो स्टैंड फॉर वर्ल्ड इंटेलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है सो डू रिमेंबर दिस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन नाउ मूविंग अहेड फर्स्ट मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन कॉपीराइट ये हमने डिस्कस किया है बर्न कन्वेंशन 1886 की दैट वाज द फर्स्ट मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन कॉपीराइट

आई पी आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आता है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और डिपार्टमेंट कौन सा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन Guys, here we are done with today's video. I hope I was able to answer most of your question. And still, if you are left with any of the questions, then do mention the same in the comment box. I'll try to answer that in my next video, which would be the MCQ part of intellectual property, right? And further, guys, thank you, thank you, thank you so much for supporting this channel that much. We are just to complete our 1k family, and that was not possible without your extensive support. And further, all the best for your exam. You are right there. उिडी एट्ड डोंट मिस आउट ऑन इट लाइक यू हैव गिवन सो मच टाइम टू इट और अभी अगर छोड़ दिया तो छूट जाएगा सो नाउ डोंट गिव इट अ सेकेंड थॉट यू आर वर्किंग रियली हार्ड एंड आई कैन सी दैट सो कीप वर्किंग हार्ड यू विल गेट योर ड्रीम कॉलेज रियल सून ऑल द बेस्ट